यमुनानगर के जयधर गांव में तनाव का माहौल बना हुआ है। हिंदू समाज के लोगों के घरों के आगे मांस फेंके जाने को लेकर गांव में माहौल तनावपूर्ण है। ऐसे में किसी तरह की कोई घटना ना हो इसके लिए गांव को सील कर दिया गया है और बाहरी लोगों का प्रवेश पर भी रोक लगा दी गई है। हालांकि गांव के लोगों ने पहले से ही प्रशासन को इस बात को लेकर ज्ञापन भी दिया था कि गांव में कुछ लोग शांति भंग कर सकते हैं। रात के समय कुछ लोगों ने हिंदू धर्म के लोगों के घरों के आगे मांस के टुकड़े फेंक दिए, जिसके बाद से ही स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। विशेष समुदाय के लोगों ने यह आरोप लगाया था कि उन्होंने एक व्यक्ति को पकड़कर पुलिस के हवाले भी किया था और वह व्यक्ति गलियों के बीच में मांस के टुकड़े फेंक रहा था, लेकिन मांस फेंकने वाले ये शख्स मुसलमान नहीं हिंदू था, जिसके बाद पुलिस ने उसे छोड़ दिया। पशु क्रूरता को लेकर जाओ, बकरा ईद पर जिस प्रकार यहाँ पशु और कटड़े काटे गए उसको लेकर समाज में काफी आक्रोश है, जबकि गांव के सभी लोगों ने हेडक्वार्टर जाकर डीसी ऑफिस में पहले इसके लिए ज्ञापन भी दिया था, उसके बावजूद प्रशासन के नाक के नीचे ये काम हुआ। ये बहुत ही शर्मनाक बात है और आज हिंदू समाज काफ़ी आक्रोश में भी है। और यहाँ के SHO जो लज्जा राम जी, जिन्होंने ये पंचायत के अंदर वादा किया था, जिसका वीडियो भी काफ़ी वायरल हुआ, जिन्होंने ये कहा था कि यहाँ पर हम किसी भी पशु को कटने नहीं देंगे, परंतु ये भी हुआ। समाज में काफ़ी आक्रोश है और हमारी प्रशासन से मांग है कि लज्जा राम को यहाँ से लाइन हाजर किया जाए और सस्पेंड किया जाए। देर रात का और जिन लोगों ने रात को यहाँ पर इतना बावजूद होने के बाद भी कुछ लोगों ने यहाँ पर मांस लोगों के घरों में फेंका और एक लड़के को उठाकर उसकी मार पिटाई भी की, हमारी प्रशासन से मांग है कि उन लोगों को उठाया जाए तुरंत और जिन्होंने मांस घेरा उनके ऊपर उपयुक्त कार्रवाई हो। अगर ये नहीं होगा तो ऐसा नहीं है कि हमारा समाज स्वतंत्र है अपना काम करने को, हमारी समाज में हमारे धर्म में भी बलि देने की प्रथा है, ऐसा कोई विचार नहीं है कि हम बलि नहीं दे सकते। हम भी अपने यहाँ पलु हमारी देवी सभी जो है वो मांस भी खाती है और हर प्रकार का भक्षण करती है, हम भी यहाँ पर बलि दे सकते हैं, हम स्वतंत्र है, समाज अपने प्रकार से ये काम करेगा अगर प्रशासन उचित कार्रवाई नहीं करेगा। गाँव के लोगों का आरोप है कि पुलिस को कहने के बावजूद गाँव में बकरों के साथ साथ अन्य जानवर की भी बलि दी गई और अब अगर पुलिस ने जल्द ही आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की तो वो लोग भी गांव में दूसरे जानवरों की बलि देंगे और उनका जिम्मेदार प्रशासन होगा। हालांकि गांव में पुलिस फोर्स को तैनात कर गांव को सील कर दिया गया है, बाहरी लोगों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है, लेकिन इस पूरे मामले में अब पुलिस ने बिल्कुल चुप्पी साध रखी है और पुलिस कुछ भी बोलने से बचती हुई नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।